ऐतिहासिक कार्यक्रम में जहां आप सब लोग बड़े जोश के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। हमारे बीच में हमारी पार्टी के मंडल के अध्यक्ष श्री भागीरथ शर्मा जी, मंडल के सभी हमारे पदाधिकारी और हमारे साथ यहां पर पार्टी के लिए सहयोग देने के लिए जम्मू से भी हमारे साथी यहां पर उपस्थित हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। ब्रिगेडियर तुषार ठाकुर जी हमारे बीच में हैं और यहां पार्टी के हमारे जिला के प्रदेश के सभी अन्य पदाधिकारी पत्रकार मित्रों उपस्थित सभी भाई हो गए। आज एक बार फिर से लोकतंत्र के महापर्व में हम प्रवेश कर रहे हैं। और आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल की विधानसभा के अंदर 25 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद फिर से आशीर्वाद मांगने के लिए साथियों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका अभिनंदन। कई बार मैं कल्पना करता हूं हम कहां से शुरू हुए थे और आज हम कहां पहुंचे। साथ चलने के लिए बहुत कम साथी होते थे, और कुछ जगह जो साथी होते थे उनको चलने के लिए पहले प्रोत्साहित करना पड़ता था, हिम्मत देनी पड़ती थी। लेकिन इस बात के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि साथी जुड़ते गए, साथी चलते गए और ये कारवां बनता गया, और जिस बात के लिए हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी आज हम उस मुकाम पर पहुंचे हैं, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। मुझे अच्छी तरह से याद है जब 1993 का चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में जब हम साथ बनाने के लिए बैठे
कि विधानसभा क्षेत्र में हमारे 60 पोलिंग स्टेशन है, 60 पोलिंग स्टेशन में एक एक दो दो आदमी तो हमको जानकारी को मिले। कुछ जगह एक आदमी की हम तलाश करते रहे लेकिन एक भी नहीं मिल पा रहा था। लेकिन फिर तय किया, ये मान करके कि मंजिल कठिन है, मुश्किल है, जटिल है रास्ता, लेकिन फिर भी उसके बाद तो आगे बढ़ना है, जो होगा देखा जाएगा। कदम आगे बढ़े, साथी साथ जुटे, और इस राज विधानसभा क्षेत्र के हमारे पहाड़ चश्मदीद गवाह हैं इस बात के। इन पहाड़ों की चढ़ाई पर चढ़ते चढ़ते थके भी, बैठे भी, फिर उठे, फिर चले, और वो दौर मुझे लगता है कि एक ऐसा यादगार दौर है कि आज मैं देखता हूं कि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो उस वक्त के हमारे साथ चले थे, बुजुर्ग हो गए, लेकिन आज भी चटान की तरह साथ है। अगर आज भी मैं कहूं उन साथियों को, कहूं कि आओ चलो फिर से हम पहाड़ पर चढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि हम पीछे रह जाएंगे लेकिन वो पीछे नहीं रहेंगे। इस प्रकार से बहुत ही मुझे इस बात को लेकर के भी आप सबका धन्यवाद करना है कि पड़ाव आते गए, अच्छे भी दिन आए, बुरे भी दिन आए, लेकिन साथ ही हौसला देते रहे, हिम्मत देते रहे, और यही समझाते रहे कि वक्त एक जैसा नहीं होता है। आज अगर खराब है तो कल अच्छा होगा, और ये सचमुच में साथियों से सीखने को मिला, आप सभी साथियों से सीखने को मिला, और जिसके कारण हिम्मत बढ़ करके हम आगे बढ़ते गए। जब सफर अपने मजबूती के साथ आगे बढ़ने का पूरा करने का एक निर्णय लिया तो पहचान भी बढ़ती गई, सहयोगी भी मिलते गए, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश भर में, और आगे बढ़ने का हौसला भी। सही मायने में इस बात को मैं कह सकता हूं कि सबसे बड़ा हौसला अगर मिलता है मुझे, वो सराज हमारे के भाई बहनों का जो आशीर्वाद मिलता है दादा पड़ोस से, क्योंकि घर आपने संभाला, यहां जिम्मेवारी के साथ आपने संभाला, और यही एक बात है जिसके कारण आज ये 25 साल का ये यात्रा का दौर पूरा हुआ और आगे की यात्रा की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं अपने देवी देवताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका उनके सामने नमन करता हूं, उनका भी आशीर्वाद रहा कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ने का, आशीर्वाद सभी देवी देवताओं से मिलता रहा, इसके लिए मैं देवी देवताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेता सब हमको सहयोग करते रहे, आगे बढ़ाने के लिए मदद करते रहे, और आज के इस कार्यक्रम में मैं विशेष तौर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। आभार इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने सारे जीवन की परिस्थितियों के करीब पाया उनको, जिस दौर से वो गुजरे हैं, और उस दौर से उन्होंने देखा हिमाचल प्रदेश में एक गांव का रहने वाला जयराम भी गुजरा है, आज एक मुकाम और इसलिए आगे बढ़ने के लिए हौसला मिला मुझे। मैं यहां देखता हूं हमारे साथी बहुत सारे साथी यहां मिल गए थे,
छोटी छोटी जिम्मेवारी को निभाते हुए मंडल का अध्यक्ष रहा। मंडल के अध्यक्ष के बाद 2000 से पहले 1998 में जब मैं विधायक बना, फिर मुझे प्रदेश का युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया। युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनने के पश्चात फिर उसके बाद मंडी जिला का पार्टी का अध्यक्ष बनाया, जो मंडी जिला हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के बाद दूसरा बड़ा जिला है। और उसके पश्चात मुझे प्रदेश का उपाध्यक्ष बनने का मौका मिला, दूसरी बार विधायक बना 1993 में। और 2007 में हिमाचल प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेवारी भी निभाने का मौका मिला। यह अपने आप में सहज रूप से नहीं हुआ। अगर इसके पीछे अगर ताकत थी, आगे बढ़ने की हौसला देने के लिए जो ऊर्जा थी, वह सब आप सबसे साथियों से प्राप्त हुई। सवाल विधानसभा क्षेत्र के भाई और बहन, और मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं 2007 में विधानसभा के चुनाव में प्रवेश किया, पार्टी का अध्यक्ष का दायित्व था तो कड़ी चुनौती हमारे सामने थी। कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने तय किया कि जयराम ठाकुर को हराना है और पूरे हिमाचल प्रदेश में एक ही बात कहने का प्रचार करके कोशिश की कि जो भी पार्टी का अध्यक्ष बनता वो चुनाव हार जाता है। और हुआ भी ऐसा था। कुछ पहले मुझसे पहले कुछ साथी हमारे पार्टी के अध्यक्ष रहे, लेकिन चुनाव के दिनों में चुनाव हार गए और कहा कि अब की बात जयराम की बारी है। मुकाबला कठिन हुआ, लेकिन आप सबका आशीर्वाद उसमें भी पूरा मिला और उस चुनाव को भी हमने जीता। हमने साबित करके दिखाया कि सभी अध्यक्ष जो है चुनाव हारते नहीं है, कुछ जीतते भी है। और उसके बाद मंत्रिमंडल में जाने का मौका मिला। फिर मुझे कहा कि मंत्री बनकर के चुनाव जीतना बहुत कठिन होता है, क्योंकि विधायक बनकर के चुनाव जीतना लड़ना आसान हो जाता है, लेकिन मंत्री बनकर के चुनाव कठिन हो जाता। तो ऐसे कहा कि अब की बारी हारे गए, लेकिन मंत्री बनकर के भी आप सबके आशीर्वाद से मैं जब लोगों के बीच में गया, फिर चुनाव जीता, बहुत बड़े बहुमत के साथ किया। उसके लिए भी और इस तरह से दौर समाप्त नहीं हुआ, आगे बढ़ते गए। और पिछले चुनाव के दिनों में सच कह रहा हूं मैं, कई बार भाग्य में क्या लिखा होता है, इन सारी बातों का जिक्र करने का मन होता है कभी। हाँ, ये और पैदल जाम लग गया, क्योंकि सच्चे बोलते कि पैदल आया 5 किलोमीटर, मैं भी आए 1 किलोमीटर में भी पैदल आया। और पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव चला हुआ था और मैं यहां कलरी भाटकी धार के साइड में इस दौर में टूर पे गया हुआ था, मुझे पार्टी कार्यालय से फोन आया, शिमला से फोन आया कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का कार्यक्रम परसों सवेरे है। मैं सोचने लगा ये बहुत कठिन काम है। मैंने कहा, पहले तो मैंने यही कहा कि मैंने कहा मेरे यहां चला ठीक चल पड़ा हुआ है, मैं जीत जाऊंगा लगता है, लेकिन अमित शाह जी का कार्यक्रम दूसरे विधानसभा क्षेत्र में जहां उनके जाने से सीट जीत जाए। लेकिन मुझे कहा कि नहीं नहीं आपको कहा कि कार्यक्रम करना है। रात को वापिस आए, पहुंचे चुनाव, पहुंचे साथियों के साथ बातचीत की, हमने कहा कि भाई कार्यक्रम है कल सवेरे कार्यक्रम पर, परसों सवेरे कार्यक्रम अब कैसे करेंगे। एक दिन में इंतजाम किया और अमित शाह जी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आए और आकर के चुनाव की उस सभा में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने बातें कही
और एक बात खास तौर से जो विशेष कही जिसको जिसका एक बहुत बड़ा महत्व है, और वो बात कही कि मैं आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। मेरी इच्छा थी इस कार्यक्रम में आने की, मेरी इच्छा थी इस विधानसभा क्षेत्र में आप सबसे मिलने की। और एक बात उनके साथ में कही कि आप जयराम ठाकुर को एक बार नहीं अनेक बार, चार बार आप विधायक बना चुके हैं। जयराम ठाकुर पार्टी के अध्यक्ष रह लिए, जयराम ठाकुर मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री रह लिए, और कहा कि मैं आप सबसे आग्रह करने के लिए आया, आप इनको पांचवी बार जिता करके भेजिए, ये बहुत बड़े आदमी बनने वाले हैं, हम इनको और भी ऊंचा करेंगे। और जब ये सारी बात हुई तब बात सबसे बड़ी ये हुई कि भाई ये बड़ा आदमी क्या होता है, बहुत बड़ा आदमी बनने वाला, हम तो छोटे आदमी सोचते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत बड़े नेता बनने वाले, लेकिन हालात ऐसे बने, परिस्थितियां ऐसी बनी, उन परिस्थितियों के साथ जो है एक ऐसा मोड़ आया जहां भाग्य आपका भी खुलना था, सम्मान के लिए हमारा भी खुलना था, क्षेत्र का खुलना था, और एक जिम्मेवारी के नाते मुझे हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व करने का मौका मिला। आज मैं अगर यहां पर आप सबके बीच में इस कार्यक्रम में हूं, एक प्रत्याशी के नाते भी हूं, प्रमुख रूप से तो प्रत्याशी के नाते, लेकिन इसके साथ साथ में यह भी एक सौभाग्य है कि सराज विधानसभा क्षेत्र के एक सराजी को मुख्यमंत्री के तौर पर जो है आज आप अपना नामांकन पत्र भरने का अवसर प्राप्त हुआ। और ये विधानसभा क्षेत्र का लंबे समय तक हिस्सा रहेगा, इतिहास का हिस्सा रहेगा कि पहली बार सराज विधानसभा क्षेत्र से बतौर मुख्यमंत्री नॉमिनेशन फाइल करने के लिए यहाँ के प्रतिनिधि के नाते, विधायक के नाते, प्रत्याशी के नाते जा रहा था। और इस कार्यक्रम के आप सब चश्मदीद दुआ बने, इस कार्यक्रम के आप लोग जो है यहाँ पर चश्मदीद गवाह बने, और इसलिए आप सबका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबका आशीर्वाद देने का यहाँ पर इस देवपुर के प्रांगण में मौका मिला है। भाइयों बहनों, आज योजनाओं पर बात करने का मन नहीं है, सराज के हमारे जो साथियों के साथ एक सराजी होने के नाते बात करने का भी करता है, और इसलिए करता है क्योंकि आप सबने जब ठान ली कि आगे बढ़ना है, मुश्किलें हैं बेशक, लेकिन उसके बावजूद भी आगे बढ़ना है, फिर आपने यह नहीं देखा कि सफर कितना कठिन है, सफर कितना लंबा है, रास्ते में बाधाएं कितनी होंगी, सारी चीजों की परवाह किए बिना आप आगे बढ़े। और इसलिए मैं सराज विधानसभा क्षेत्र में मैं सारा काम आपके ऊपर छोड़ देता, क्योंकि आज एक जिम्मेवारी इस प्रकार की है जिस जिम्मेवारी को निभाने के लिए मुझे हिमाचल प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में जाना पड़ेगा। और पिछले कल रात को हमारी रात के 12 बजे तक हमारी जो चुनाव समिति की बैठक हुई, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, उसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष तौर से संदेश है कि आप नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं, और भाई अमित शाह जी का भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हमारी ओर से शुभकामनाएं। और आज संभवतः शायद हमारी पार्टी का ये पहला नॉमिनेशन हो रहा है जहां से शुरुआत हो रही है, और शुरुआत भी सराज विधानसभा क्षेत्र से हो रही है, और इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये शुभ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, ऐसा मुझे पूरा।
आज अगर मैं सराय विधानसभा क्षेत्र के अगर विकास की बात कहूं और सही मायने में आप लोग यकीन करें या ना करें, मैं सच में अपनी बात कहता हूं, मैंने भी नहीं सोचा था मैं चाहे 10 बार भी मैं विधायक बनूं, सरकार में मंत्री बनूं, सराय विधानसभा क्षेत्र के जो हमने लक्ष्य तय किए थे सड़कों को बनाने के लिए, विकास की दृष्टि से और बहुत सारी चीजों को करने के लिए, इन सारे लक्ष्य को हम हासिल कर पाएंगे मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में देख सकते। लेकिन अवसर आया ऐसा, और इस अवसर के वजह से मैं आप सबके बीच में इस बात को मैं कह सकता हूं, कई लोग कई तरह की बातें कहते हैं कि ज्यादा काम करने से नुकसान होता है, नुकसान ये होता है तो फिर आगे काम करने की जब नहीं बचेगा तो फिर लोग बोलेंगे तो अब जरूरत ही नहीं रहेगी। शायद कुछ नेताओं को इस तरह के काम करने का स्वभाव रहा होगा, लेकिन मैंने इस बात को एक ही चीज को मान करके मैं चला कि मेरे सराय विधानसभा क्षेत्र की हर जरूरत को मैं पूरा करूं, उसके लिए जो हो सकता था वो करने की कोशिश। आज सड़कें जा करके शाटाधार में पहुंच गई, सड़कें तुंगासी धार में पहुंच गई, आज हमारा ये इलाका अगर हमको गाड़ाक्षण जाना होता है हम 1 घंटे 1.5 घंटे की यात्रा में उस यात्रा को पूरा कर लेते हैं जहां पर कई दिन लग जाते थे पहुंचने के लिए। कहां जाकर के हमारा कदनी का इलाका, कहां भाटकी धार का इलाका, वो जाकर के आल्टी में नीचे मिलता था, कहां वो गत्तू के हमारे गुंजा बोर्ड होते थे कभी भूल नहीं सकते उन यादों को, कहां वो मगरू गले की चढ़ाई आदि हंडी ऐसे बोलते थे हमारी भाषा में, मगरू गले आदि हंडी आज फराटे से गाड़ियां जा रही हैं, कुछ मिनट के फासले में जो है मगरू गले के वो सारे दौर पार हो जाते हैं। लेकिन मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि अगर ये मैं कहूं कि मैंने किया ये मैंने नहीं किया, जो कुछ भी किया ये आप लोगों ने किया, ताकत आपकी थी, आशीर्वाद आपका था, सहयोग आपका था, आप सबका आशीर्वाद था। और मैं आपके इस कार्यक्रम में हमको आशीर्वाद देने के लिए हमारे चुनाव प्रभारी सह प्रभारी देवेंद्र राणा जी जम्मू से यहाँ हमारे बीच में आए हैं, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी, हमारे सांसद शिमला जी वहां आए, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। रक्षित दल जी आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। विशेष तौर से आज के इस कार्यक्रम में इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथी देवेंद्र राणा जी 4 बार जम्मू कश्मीर में विधायक रहे हैं और चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर भी रहे, और सांसद हमारे कश्यप जी तो आपको जानते, आप जानते हैं ये तो अध्यक्ष हैं, रशीद जी हमारे महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं। स्वागत है भाई, स्वागत है। और जम्मू से संगठन में काम करने की बात आई, हिमाचल छोड़कर के दूसरे प्रदेश में जाना पड़ेगा काम करने के लिए, तो 4 वर्ष हमने जम्मू में लगाए और जम्मू के बाद यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए तो मेरे यहाँ पर कांग्रेस के लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने प्रचार ये बोलता है ये जयराम, ये तो जम्मू कश्मीर का रहने वाला बोलते हैं। नहीं है टक्कर में।
इसलिए आज के इस कार्यक्रम में मेरा बहुत लंबा भाषण देने का मन नहीं है, और मैं आप सबके बीच में अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूं। आपका यह आशीर्वाद न होता, आपका समर्थन या सहयोग नहीं होता तो हम यहां नहीं होते, मैं कह सकता हूं नहीं होते। अगर आज हूं यहां तो ये सब आपने दिया है, और जीवन का मेरा एक लक्ष्य रहेगा, शरीर को कैसे मैं चुकता करूं, अवसर मिलता रहेगा तो पाई पाई चुकता करके जाऊंगा, ये मैं कह रहा हूं। विधानसभा क्षेत्र में हम देख रहे हैं, यहां पर एसटीएफ का दफ्तर पहले बोर होता था, नॉमिनेशन का कार्यक्रम यहां से 50 किलोमीटर दूर होता था हमारा, आज अपने आंगन में हो रहे हैं। आपके यहां जिंदगी में आया, आपके बीच में आया, नॉमिनेशन इसके बाद हमने पूरी प्रक्रिया करनी है, और बाली चौकी में एसटीएफ का दफ्तर खोला, वीडियो का दफ्तर बाली चौकी में खोला, आईपीएच का डिवीजन बाली चौकी दिया, पहले सब डिवीजन दिया था फिर डिवीजन भी दिया, हमारे सिविल हॉस्पिटल जंजैहली का भवन हमने बना करके दिया, ब्लॉक का भवन बना करके दिया, फिर आप लोगों का लगा कि पीडब्ल्यू का डिवीजन होना चाहिए, यही मंच है सामने जहां मैंने कहा कि पीडब्ल्यू का डिवीजन जंजैहली में होगा, और आज मुझे इस बात की खुशी है कि पीडब्ल्यू का डिवीजन नहीं है, पीडब्ल्यू का सर्कल भी आपको जाकर के हमने यहाँ आकर के यहाँ जंजैहली में दिया, इससे आगे अब कुछ होने की संभावना कब होंगी मालूम नहीं, लेकिन मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि जो किया है आपके इस कहने पर हमने सराज विधानसभा क्षेत्र में, इसके बाद कुछ करने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, मेरी बड़ी कम रह गई। आईपीएस का डिवीजन अपने हमारा सुंदरनगर होता था, आईपीएच का डिवीजन हमने थुनार में खोला, बाद में आप लोगों का कहना आया कि सर्कल भी होना चाहिए, सर्कल भी खोला, सिविल हॉस्पिटल जंजैहली खोला तो सिविल हॉस्पिटल बारी चौकी में भी खोला, सिविल हॉस्पिटल बारी चौकी खोला तो सिविल हॉस्पिटल बक्साड़ में भी खोला, और खोले ही नहीं भवन बना करके करोड़ों रुपए के भवन हमने बना करके हमने खोला, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एक्सचेंज, डीएफओ का ऑफिस, वाइल्ड लाइफ का, हम कितनी बातों का जिक्र करें, मैं समझता हूं इन बातों का कोई अर्थ आज की तारीख में रहता नहीं है, जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं उसका मैं मंच से जिक्र करूं इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए लोगों के बीच में जाकर के आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, आपको एक ही कहना है कि सराज विधानसभा क्षेत्र के सम्मान की लड़ाई है ये, और इस लड़ाई को हम कभी आधे रास्ते में नहीं छोड़ने वाले हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में मैं विशेष तौर से आप सबके बीच में एक निवेदन करने की यहां पर आए, और निवेदन मेरा बहुत सरल है, सीधा सा है कि पहले मैं कैंडिडेट होकर के हर गांव में आता था, हर गांव में चाय पीता था, रोटी भी खाता था, गप्पे भी मारते थे, साथी के साथ बैठते थे, साथ जोड़ने के लिए बैठते थे, बात करने के लिए बैठते थे, लेकिन ये चुनाव पहली बार ऐसा हो रहा है जब मैं गांव गांव में नहीं आ पाऊंगा, गांव गांव में घर घर में जाने वाले मेरे साथी यहां पर बैठे हैं, आप सब ने बोली जयराम ठाकुर बन सकते, यही आप सबके बीच में निवेदन करने के लिए, हमारे दूसरे साथी कह सकते हैं कि भैया आया तो है नहीं वोट मांगने के लिए, आज वोट के लिए नहीं आया तो कब आएगा वो, हम आपके बीच में हैं, हम आपके दिल में रहते हैं, मैं ये कहता हूं भाई जरूर कहना चाहता हूं, भाई ढूंढने की जरूरत नहीं है, और आप हमारे दिल में रहते हैं, इसलिए उनको कहिए साथियों को इतने कहना,
पार्टी तो है, लेकिन क्या हम यहां इस क्षेत्र में, इस विधानसभा क्षेत्र में पार्टी से ऊपर उठ करके भी सोच सकते हैं? जब हमको इस प्रकार का सम्मान मिला है, जब हमको एक पहचान मिली है, एक स्थान मिला है, हम उस सम्मान के लिए काम करेंगे, बात से बेहतरी होनी चाहिए। आओ मिलकर के हम आगे बढ़े, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। और हम एक वक्त हम नारा लगाते थे सराज विधानसभा क्षेत्र में कि विकास की राह पर आगे बढ़ता हुआ सराज, और उसमें एक बात करते शिखर की ओर सराज, ये नारा हमने सराज के लिए दिया था। आज वही नारा हिमाचल प्रदेश में, शिखर की ओर हिमाचल, वही नारा लोगों की जुबान में। हमारे विपक्ष के लोग भी इस बात करते हैं, वो भी शिखर की ओर हिमाचल का हर मंच से उनका जिक्र होता है, क्योंकि ये नारा हमने शुरू किया था और ये नारा बुलंदी तक पहुंचा है। और जहां तक रही भाई और बहनों पूरे प्रदेश की सारी परिस्थितियों की बात कह रहा हूं, जहां विपक्ष की बात है, कांग्रेस पार्टी की अगर बात करूं, कुछ बचा ही नहीं। देश में नहीं बचा तो कहां बचेगा? मैं उनके बारे में कुछ कहने नहीं चाह रहा हूं, इसलिए बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। एक माहौल पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में इस प्रकार का बन गया कि हिमाचल के इतिहास में जो एक बार बात बनी थी कि भी 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती है, अब की बार लोगों ने तय कर लिया कि इस रिवाज को बदल करके छोड़ेंगे। और आज मैं पहले इस नॉमिनेशन के, इस नामांकन के कार्यक्रम से आप सबसे मेरे निवेदन करें कि शुरुआत आप यहां सिराज से करिए, रिवाज बदलने की शुरुआत हिमाचल प्रदेश की राजनीति में यहां से शुरू होगी और रिवाज बदल करके छोड़। कुछ लोगों ने हमारे बारे में कई तरह की टिप्पणियां की, चाहे कि रिवाज को बड़े बड़े लोग ने बदल पाए, ये बड़े बड़े लोग कौन होते हैं भी सोचने का विषय है। उन्होंने अपनी मानसिकता दिखा दी कि लोग बड़े होते हैं वो वही चला सकते हैं देश को, प्रदेश को। लेकिन मैं एक जरूर कहना चाह रहा हूं उनको, मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आप ये मान करके चलिए कि सारे काम बड़े बड़े लोग नहीं करते, कभी छोटे लोग भी बड़े काम करते हैं। आओ सब छोटे लोगों से मेरी अपील है कि आओ हम आज एक प्रण करें कि जो बड़े से नहीं हो पाया, बड़े बड़े लोगों से नहीं हुआ, हम छोटे लोग उस काम को करके दिखाएंगे हिमाचल प्रदेश में। जो 5 साल के बाद सरकार बदल जाती है, अब की बार सरकार को फिर से सत्ता में लाएंगे, भाजपा की सरकार फिर से बनाएंगे, इस बात के लिए मैं संदेश देना चाहता हूं। और ये भी मैं जरूर कहना चाहता हूं भाई और बहनों आप सबके बीच में कि रिवाज बदला है, पूरे देश में बदला है। पड़ोस का राज्य उत्तराखंड में जहां जब से उत्तराखंड बना, हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती थी, अब की बार रिवाज बदला, भाजपा की सरकार थी, फिर भाजपा की सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ, योगी जी थे, योगी जी फिर सत्ता में आ गए, वहां भी रिवाज 37 वर्षों से यही चला होता, हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती थी, लेकिन रिवाज बदला। गोवा में, मणिपुर में, सब जगह बदला, हरियाणा में बदला, आओ अब हिमाचल बचा है तो इस हिमाचल प्रदेश में भी रिवाज बदल करके छोड़ेंगे, यही मुझे आप सबके बीच में कहना है। और आज के इस कार्यक्रम में मेरा सिर्फ इतना निवेदन है, ऐसा मत सोचना कि अब आज हमारी रैली हो गई और आप इसके बाद हम आराम से बैठेंगे, आराम से हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो बात कह दी, हमने उनकी बात सुन ली और उसके बाद काम करने की जरूरत नहीं। आपको जयराम बन करके घर घर जाना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, गांव गांव को जाना ही पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा। तो मैं आप सबसे यही विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप सबका मैं हर रोज में आपका ये देखता रहूंगा, कौन साथी किस गांव में गया, किससे मिला, आप हमको फोटो भेजते रहिए, मैं सारी चीज को भी देखता रहूंगा। और मेरा संदेश सब भी इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, बड़ी लंबी बात न कहते हुए आप सबको मैं धन्यवाद करता हूं। और हिमाचल प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की फिर से बनेगी,
और ये सराजी के शहर श्री जो सराजी के जिम्मे ये काम लगा हुआ है, तो सराजी करके दिखाएंगे। ये मैं आप सबके बीच कहना चाहता हूँ, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।